हेलो बच्चों, देखिए आज का हमारा सवाल है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। जबकि हमारा थ्योरम था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन हमें क्या साबित करने को कह रहा है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज ले लिए। अब कह रहा है कि शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो ठीक है शीर्ष लंब ले लेते हैं, ए से ए एम शीर्ष लंब बी सी पर और डी से डी एन शीर्ष लंब ई एफ पर ले लिया, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक, जिसमें क्या है, जिसमें ए एम और डी एन क्रमशः शीर्ष लंब है, जिसमें ए एम तथा डी एन क्रमशः शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। क्रमशः क्यों, क्रमशः मतलब क्रम से, तो मतलब ए एम किसका, ए बी सी का, और डी एन किसका, डी ई एफ पर, त्रिभुज डी ई एफ का शीर्ष लंब है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या सिद्ध करने को कह रहा है, तो लिख देते हैं, सिद्ध करना है एरिया एबीसी बटे एरिया डीईएफ, एरिया ट्रायंगल एबीसी बट्टा अनुपात का मतलब बट्टा ही हुआ एरिया ट्रायंगल डीईएफ। ये दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल का ये अनुपात हो गया किसके बराबर है, ए एम स्क्वायर बट्टे डी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर बट्टे डी एन स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करने को कह रहा है। यही तो शीर्ष लंब है, जबकि हमारा थ्योरम क्या है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा मतलब ए बी स्क्वायर बटे डी ए स्क्वायर या बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हमने सिद्ध किया, ये थ्योरम है। लेकिन उसी आधार पर अब साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है ना, इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये चीज हमें साबित करना है, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, समरूप साबित कर लेते हैं। पर्पस क्या समरूप साबित करने का, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो जब समरूप है तो समरूप की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ है। बस इसी चीज को हमें यह साबित कर लेना है कि ए बी बट्टा डी ई डी ई अगर ए एम बट्टा डी एन के बराबर होगा तो ए बी बट्टा डी ई की जगह हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे ए एम बट्टा डी एन, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ए बी एम और डी ई एन को समरूप पहले करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन प्रमाण शीर्षक डाल के आप करेंगे, त्रिभुज इसमें ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में, इस दोनों में क्या है, इस दोनों में आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ए बी एम का एंगल बी, एंगल बी, तो जब एंगल बी लेंगे तो एंगल बी का संगत कौन होगा, एंगल ई, तो एंगल ई ही लेना है। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ में ये दोनों पहले से समरूप हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है और समरूप के संगत कौन बराबर होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है बड़ा वाला, ये ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, इसीलिए कोण बी के बराबर कोण ई है। त्रिभुज ए बी एम का एंगल एम, ये जो एंगल है इसे वन लिख देते हैं, इसे मैं टू लिख देता हूं, तो ठीक है इस एंगल के बराबर ये एंगल है, क्यों, क्योंकि यह भी एक शीर्ष लंब है और यह भी शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, तो मींस ये एंगल, एंगल एम, तो एम को क्या पढ़ेंगे आप, ए एम बी, एंगल ए एम बी बराबर है इस एंगल डी एन ई के, डी एन ई के। आखिर ये दोनों एंगल क्यों है भाई बराबर,
क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, यह एंगल भी 90 डिग्री के बराबर, यह एंगल भी 90 डिग्री के बराबर, इसलिए दोनों एंगल बराबर। तो किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाए, बी के बराबर ई और एम के बराबर एन हो गया, तो इससे हमें यह साबित करना जरूरी नहीं है कि एंगल ए के बराबर डी है, क्योंकि जब भी किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है संगत कोण समान, तो ए ए या ए ए ए तीनों में, या तो तीनों कोण संगत कोण बराबर हो जाए या दो संगत कोण बराबर हो जाए, तो हम त्रिभुज को समरूप कहते हैं। तो दो संगत कोण तो बराबर हो गया, तो लिख देंगे इसीलिए ए ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है, या शर्त से, दोनों चीज चलेगा, से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी एम समरूप है, मीन सिमिलर है इसके ट्रायंगल डी ई एन के, डी एन, ये दोनों सिमिलर हो गया। और ये पर्पस हमें मालूम है कि हम इस दोनों को समरूप क्यों किए थे, ताकि आप ए बी, तो ठीक है यहां ए बी है, ए बी जब आप लेंगे तो इसका संगत क्या आएगा, डी ई बराबर क्या, तो हमें चाहिए ए एम, तो ए एम है ना यहां, ए एम बट्टे, जब ए एम लिए तो इसका संगत क्या होगा, डी एन, तो यहां नीचे डी एन, ये दोनों समरूप त्रिभुज कर दिए, समरूप की संगत हो जाए समानुपाती भी कर दिए, जबकि बी एम बराबर बी एम बट्टा ई एन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है हमें, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमें प्रूफ करना है, मेन ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ये तो हमें प्रश्न से मालूम है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टे एरिया त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये हमें मालूम है पहले से। तो ठीक है, अगर इसका ए बी लिया जाएगा, ए बी स्क्वायर बट्टे, तो इसका संगत क्या है, डी ई, डी ई स्क्वायर लेंगे। ठीक है, लेने के लिए बी सी स्क्वायर बट्टे ई एफ स्क्वायर भी ले सकते हैं, ए सी स्क्वायर बट्टे डी एफ स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन हम वही साइड को केवल लेंगे जो ये छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन आता हो, तो ए बी ही तो कॉमन है ए बी एम में और ए बी सी में, इसीलिए ए बी और बटे डी ई को ही लिए हैं सिर्फ। ठीक, अब क्या करेंगे हम समीकरण एक से, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया जो है उसे उतार देते हैं, त्रिभुज डी ई एफ बराबर, समीकरण एक क्या कह रहा है, ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए एम बट्टा डी एन के, तो हम ए बी बट्टा डी ई के बदले ए एम बट्टा डी एन लिख सकते हैं, ए बी बट्टा डी ई की जगह पे समीकरण एक से क्या लिखा जा सकता है, ए एम बट्टा डी एन लिखा जा सकता है, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दें, तो साबित तो हो गया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। ओके,